हरिओम, इन्होंने अपना सामान लोड किया है इस वाले घोड़े पे। ये देखिए, बकरी का मेमना है, ये फीमेल पपी है छोटी सी, और ये भी बकरी का मेमना है, और इस साइड भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तीन इस साइड है, देखिए छोटे छोटे। कितने दिन के हैं भाई तुए? चार पाँच दिन के हैं अभी ये, तो अभी सफ़र नहीं कर पाते। और देखिए इसके बाल, घोड़ा है, घोड़ा। हाँ घोड़ा है ना ये, इसके बाल काट देते हो आप? काट देते हैं, आंखों पे आ जाते हैं। फिर आंखों में आते हैं, फिर काट देते हैं। इस फीमेल डॉग ने कल रात को 6 बच्चे दिए। अच्छा, 4 कुत्ते हैं, दिखाना जरा निकाल के। ओ देखिए दोस्तों, कुत्ती है ये, कुत्ती है। कोई कल रात को हुए इनमें से, कोई आज सुबह, बस ब्यागा हो रहा था। अभी करीब 12 बजे हैं दिन के, तो अभी ये आधे दिन के हुए हैं कई तो। ये लो डाल दो, इनकी मदर देखिए, मदर तो अच्छी है। ये 3 महीने का पपी इनके पास, ये सेल करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मैं लूँगा नहीं क्योंकि मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा है। देखिए पिछले साल इन्होंने दिए थे वो ठीक भी थे, पर इस बार मुझे ठीक नहीं लगे। यहाँ पे कारतूस है इनकी गन, और ये अभी छोटा है। हाँ, 1.5 साल की चेरी। अच्छा, ये 1.5 साल की है, तो अभी इस पे इन्होंने कुछ भी लोड नहीं किया, देखिए। और इसमें बर्तन वगैरह देखिए, कुकर है, कड़छी है, संसी है, और इसमें इनके पट्टू हैं, कारपेट वगैरह और कंबल वगैरह। इनसे दूर ही रहना पड़ता है, लात भी मार देती हैं ये। इन्होंने सड़क के बीच में भेड़ बकरियां खड़ी कर दी हैं। क्यों? अभी बाल कट्ठे हो रहा ना पीछे। हाँ, फिर तभी फिर कट्ठे हो गए, तब चलेंगे फिर। अभी चल पड़े हैं हम आगे। हाँ जी, यहाँ से कितना किलोमीटर आगे लगाओगे डेरा आज? चार या पाँच किलोमीटर। 4 या 5 किलोमीटर आगे। कितना किलोमीटर चल पड़े आप सुबह से? हम आगे 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर पैदल आ गए हैं अभी तक, और 4-5 किलोमीटर आगे और जाएंगे। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि सड़क से उठाए इन्होंने, देखिए किसी एंगल से भी लग नहीं रहे जैसे पहले होते थे भेड़ पालकों के पास। वैसे मेरे पास तो है। क्या कुत्ता? कमीज नहीं, मैं बोल रहा हूँ। देखिए कितना बड़ा बकरा है दोस्तों, शानदार, भाग गया। ये देखिए इन दोनों को, यहाँ से ये जा रहे हैं और वहाँ पे पानी पी रहे हैं। इसकी तो दोस्तों आंखों पे भी ऊन आ गई है, देखिए कितनी ज़्यादा ऊन। ये बकरा है 7 साल का, ये बकरी है 6 साल की। अच्छा। हाँ, ऐसे कितने हैं ये बकरे? ये तो होने 5-6 बकरे ऐसे। हाँ। अच्छा अच्छा, और टोटल माल? टोटल माल है बड़ा बड़ा 600, छोटा बड़ा होगा 750। अच्छा। हाँ, और इनसे फायदा क्या क्या लेते हो आप? फायदा लेते हैं वैसे ही, वो परिवार पालने के लिए पैसा है और क्या, बाकी क्या फायदा है। मैल मूल हो जाता है उनका, खाद। हाँ, खाद होती है। अच्छा, और इनके बालों से? इनके बालों के कंबल बन जाते हैं, रस्सी बनती है, मीट बनता है मार्केट में। अच्छा। मीट बिकता है उनका, दूध खाने के लिए हो जाता है, बिक भी जाता है दूध भी। हाँ, वो तो बहुत महंगा बिकता है, दवाई के लिए होता है। चंडीगढ़ दिल्ली में तो 2,500 रुपये किलो है बोलते हैं। ऐसा बकरा लेना हो किसी ने तो क्या रेट रहेगा इसका? तो लग जाएगा 25,000 तक। अच्छा, 25? हाँ, वजन के हिसाब से, सांस की कीमत नहीं होगी उसकी, मांस की कीमत है। अच्छा, वजन के हिसाब से? वजन के हिसाब से ये बोल रहे हैं 70-80 kg के बीच में होगा ये। इस टाइप की भेड़ ये बोल रहे हैं 5 साल की है, और कितने में पड़ेगी ये? 15,000।
अच्छा 14,000 देख देख के 14-15 हज़ार फिक्स नहीं है, बाकी ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है अभी, क्योंकि मैं डॉग्स ही दिखाता था पहले, अभी दिखाने लगा हूँ मैं भेड़ बकरियाँ ज़्यादा। गर्मी होती तो उसका वजन होगा 35 किलो तक, 40 किलो तक, इस टाइम तो होना 32 किलो। तो आप इनकी उम्र का अंदाजा कैसे लगाते हो? उम्र का पता लग जाता है, पता है हमारे को, दांत दांत से भी लग जाता है उनका पता, घस जाते हैं उनके, और ऐसे ही लग जाता पता, जैसा बूढ़ा आदमी होता नहीं। तो आपको मतलब एक एक की पहचान है? हाँ, एक एक पूरा पशु की पहचान है। 12 महीने इनके साथ ही रहते हैं जंगल में, तो इनको एक एक की पहचान है कि इसकी उम्र कितनी है, कब पैदा हुआ था। जो बूढ़े भेड़ बकरियाँ हैं उनको आप बेच देते हो? हाँ, उनको दे देते हैं। क्यों? तो बूढ़ा हो गया तो फिर वो चला नहीं चलता, उनको चल नहीं पाता। हाँ, चलना नहीं, फिर वो बूढ़ा हो जाता है, फिर कहीं तो कमजोर होके मर जाता है। और भी डेरे गए, उनकी भी भेड़ बकरियाँ लंगड़ी चल रही हैं आजकल, जैसे बारिश हुई तो उसकी वजह से ठंड भी काफ़ी हो गई और सोजिश आ गई, बाकी अकड़ भी गए हैं थोड़े थोड़े पाँव इनके। अलग अलग परमिट होता है सब भेड़ पालकों का, 10 दिन और लगेंगे जहाँ पे इन्होंने जाना है। फिर वहाँ कितने महीने रहोगे आप? यहाँ रहेंगे हम 2-2.5 महीने। मार्च में पास होंगे, मार्च में वापस हो जाएंगे, करीब 2 महीने वही रहेंगे ये। तो वहाँ पे भेड़ों को अलग, बकरियों को अलग चराएंगे ये। ये वाले मालिक हैं इन सभी भेड़ बकरियों के, और ये भी नौकर के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ साल पहले इनकी खुद की 400 के करीब भेड़ बकरियाँ थी, और उनमें से 300 बर्फ़ में दबके मर गई। 72 घंटे ये बर्फ में फंसे रहे ग्लेशियर में। एक 25 साल का लड़का जो इन्होंने ऐसे नौकर रखा था, जैसे अभी आए हैं किसी और के साथ ऐसे नौकर, तो वो भी मर गया, और सिर्फ 90,000 रुपये मिले, सिर्फ 90,000 300 भेड़ बकरियों के मरने पे। तो ऐसा है हमारा प्रशासन, आप देखिए। अभी कुछ दिन पहले ऊना के बंगाणा में 65 भेड़ बकरियाँ एक गाड़ी वाले ने कुचल दी, उसको SDM ने सिर्फ 20,000 रुपये दिए, है ना? आपने भी सुनी थी न्यूज़ वो? सिर्फ 20,000 रुपये। पोते भी है पर दिल नहीं मानता है, ये बोल रहे कि घर में बच्चे भी है पोते भी है लेकिन दिल नहीं मानता है, माल के पास नींद आता है, माल के पास ही, भेड़ बकरियों के पास ही इनको नींद आती है। तो अभी दूसरे के पास ये काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। पहले इतनी सारी भेड़ बकरियां इनकी खुद की थी और सरकार ने कोई हेल्प नहीं की, क्लेम दिया कुछ नहीं दिया। ये भी क्या है वजन, मुर्गा का अंडा भी नहीं बिकता ऐसा, तो 90,000 में। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ सहायता दिलवा सकूं। तो बोला था मेरे को भाई ये क्लेम मिलेगा, अब क्लेम नहीं मिला, कागजात भेज दिया। अच्छा, सीएम ने बोला था? हाँ, सीएम ने बोला भी तेरा क्लेम मिल जाएगा, अब कोई भी नहीं दिया। ये बोल रहे सीएम ने बोला था कि क्लेम मिलेगा इनको, हाँ, अभी कोई क्लेम नहीं, और कोई क्लेम नहीं मिला। कितने साल हो गए इस बात को? 3 साल चौथी लगा है, चौथा साल लग पड़ा है। सीएम कौन था उस टाइम? जयराम ठाकुर। पूरे साल ये भेड़ बकरियों के साथ होते हैं, जब वोटिंग होती है तो जाना पड़ता है, हमारे किराया दे के भी वोट देते हैं हम। सब थोड़ी ना देते हैं, ना ना पाले पाले जाते हैं, गाड़ी करके भी जाते हैं, खुद ही वोट देते हैं हम। वोट दे देते हैं मतलब कहीं कुदरती कुदरती देते हैं। अभी जयराम ठाकुर जी की सरकार है और सिर्फ 90,000 इनको मिले 300 भेड़ बकरियों के मरने पे, तो ये तो बहुत गलत हो रहा है। इतना तो मुर्गा भी अंडा भी बिकता है आजकल, सारी भेड़ बकरियां रुक गई है। ये क्यों रोक की इन्होंने? ये इकट्ठा कर रहे हैं माल। अच्छा अच्छा, हां अभी इकट्ठा, ये तो ऐसे ना पिछला माल इकट्ठा होगा, अभी वहां से आ रहे हैं नीचे से खड्ड से जो पानी पीने गए थे, तो सबको इकट्ठा कर रहे हैं। हां तभी चलता है आराम से, फिर आराम आराम से अभी चल रहा है। इनके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कितना इनका नुकसान हुआ था, इन पे मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगा। साज कुम्हार डीसी कांगड़ा का रहने वाला है, माल चुगाता है बड़े मघाल में और सरमौर जाता है, पैसा तो काफ़ी है इसमें लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है। पैर में चुभ गया था कांटा, बहुत सा दर्द हो रहा था। पिछली बार मैंने वीडियो बनाई थी इनकी, तेंदुओं ने हमला कर दिया और एक मेमिनों को उठा के ले गया, एक छुड़ा लिया, हाँ, और एक छुड़ा लिया इन्होंने। जूते इनके पास अभी तो चलो बढ़िया है, पिछले साल तो ऐसे ही थे, कांटे चुभ गए और बहुत बुरी हालत थी, चल भी नहीं पा रहे थे। ये भी लंगड़ी चल रही है बेचारे, ये कोई बीमारी नहीं है, थोड़े दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। ये भेड़ है, इसकी पूंछ नीचे को है, और ये बकरी है छोटी सी पूंछ है ये ऊपर को है।
शुरू से तो हम यहाँ आए ना बाय पद्धर होके डिस्ट्रिक्ट मंडी से निकला, हम मंडी बरमाणा, बरमाणा से निकले फिर गक्स होके फिर यहाँ जुखाड़ा होके आज हम यहाँ पहुँच गए ब्रह्मपुखर में बिना किधर घाट में। आज रेस्ट है ही है, दो तीन दिन बारिश में भीग गए, थोड़ा सामान भी गीला हो गया। बकरी मरी कोई भेड़? बकरी नहीं मारा, कुछ नहीं मारा, एक कुत्ता, सिर्फ कुत्ता हो गया बीमार। ये हाँ ये डॉगी कैसे क्या बोलते, इसको बुखार हो गया, टेम्परेचर हो गया इसको ज़्यादा, ये कुत्ता बीमार। बाण है, बहुत अच्छा कुत्ता है, जकी नाम है इसका, जकी नाम है इसका। बाकी ठीक है, माल बकरी मारा ठीक है माल। अच्छा, बाकी प्रॉब घोड़े दो है, एक बच्चा है। अच्छा, वो भी ठीक है। इसमें इसमें कुछ नहीं है, पालक सब्जी है। अच्छा, साग तो बकरी के लिए नमक चारा, नमक थैली पैकेट आयोडीन इसको खिलाता है ना आजकल। बकरियां कितनी हैं? बकरियां 300 बड़ी है, 50 एक बच्चे। बालू तो चल मिलता रहता, वैसे नुकसान तो नहीं किया। कहाँ? ऊपर अपने कुल्लू में, यहाँ रास्ते में नहीं मिला। कुल्लू में हमारे बालू होता ना ज़्यादा, एक लाल होता एक काला होता, दो रंग के बालू होते हैं। दूसरा एक बर्फानी भाग होता है ऊपर, तेंदुआ लाल स्पीति में, और बिल्कुल चीटा होता है ऐसे बकरी की तरह। देखा है आपने? देखा मैंने। अच्छा। बिल्कुल चीटा होता वो, सफ़ेद रंग बर्फ जैसा, बड़ा नहीं होता हिसाब का, छोटा जैसा ही होता है, इतना बड़ा नहीं होता। अच्छा, वो देखा बढ़ जाता है, कुत्ते हुए काट लेता वो, वैसे डर जाता है वो, कुत्ते से भाग जाता है। फिर बकरी बकरी ले जाता है, छोटे को मारता ज़्यादा, बड़े को तो कम। छोटे छोटे मेमने थक गए हैं, वो लेट गए हैं पीछे, बकरियां भी बैठ गई हैं। ये इनकी फीमेल डॉग है एक, ये हिमालयन बाण मेल, बीमार हो गया कई दिनों से। ये आपने चेक नहीं करवाया? चेक करवाया। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोले तो टेम्परेचर ज़्यादा है, बुखार, तो इंजेक्शन दिए है, खुद लगाते हैं हम, डॉक्टर ने भी लगाई, दवाई देते हैं। कहाँ पे करवाया चेक? डहर में। डहर में? अच्छा अच्छा। और खाना खा रहा है ये? खाना थोड़ा थोड़ा खाता, ज़्यादा नहीं खाता। अच्छा, गर्मी लग गई इसको, छाँव में रखना था इसको अभी। अब ले जाना हम नाश्ते आते नीचे। ये अपने आप ही चल पड़ी बकरियाँ? चल पड़ी, इनका हो गया थोड़ा रेस्ट। भेड़े क्यों नहीं रखी आपने? भेड़े फिर आदमी नहीं मार पाता चराने के लिए, भेड़ों को अलग चराना पड़ता है ना। भेड़ों को अलग चराना, बकरी को अलग चराना। बकरी के साथ समझलती है ना वो, फिर मेरे साथ आदमी कम है। ये गार्डिंग कर रही है अभी, इसके बच्चे दोनों मर गए? दोनों मर गए। अच्छा, कैसे? कैसे बुखार हो गया। बकरियां भी अभी नीचे को चल पड़ी हैं, वहाँ जैसे ये डेरा लगाएंगे। कितने बजे पहुँच जाओगे आप वहाँ? साढ़े चार बजे। साढ़े चार बजे के करीब? साढ़े चार पौने पाँच। अच्छा अच्छा, पहुँच। तो यहाँ पे डॉली को इन्होंने तंग कर दिया, देखो डॉलू, ये इतनी फ्रेंडली है दोस्तों, देखो कुछ भी नहीं कर रहे इनको। डॉली आ गई है बीच में, डॉली नो, हटो हटो हटो, साइड में हटो,